सो अगर आप पिंपल से परेशान हैं और आप पिंपल्स के बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। Subscribe to Skin Cure and press the bell icon to never miss an update. हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर जांगीत, और आज हम बात करेंगे पिंपल्स के बारे में। काफ़ी कॉमन टॉपिक है, काफ़ी कॉमन क्वेश्चंस आते हैं इसके बारे में। तो पिंपल्स कैसे होते हैं, क्यों होते हैं और क्या क्या डिजीज़ होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। आपने काफ़ी वीडियोज़ देखे होंगे, काफ़ी जगह से आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, लेकिन इस वीडियो में हम थोड़ा सा साइंटिफिक वे में, थोड़ा मेडिकल वे में इसको बताने की कोशिश करेंगे। ओके, तो उससे आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि आप अपनी बात डॉक्टर के सामने अच्छे से रख पाओगे और डॉक्टर आपको क्या समझाना चाहते हैं ये भी आप अच्छे से समझ पाओगे। तो इस वीडियो में देखेंगे पिंपल्स होता क्या है बेसिकली, और ये कैसे बनते हैं स्किन के ऊपर। सेकंड देखेंगे कौन कौन से इसके कॉजेज होते हैं। थर्ड ये देखेंगे किस एज के अंदर हो सकते हैं पिंपल्स। एंड फोर्थ एंड लास्ट में हम ये देखेंगे कि पिंपल्स के लिए कौन कौन से टेस्ट कर सकते हैं, कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन करते हैं आपका डॉक्टर। तो देखिए, पिंपल्स, जिट्स या फिर एक्ने सारे एक ही नाम होते हैं, और ये बेसिकली सीबीसीस ग्लैंड का एक तरह का इन्फेक्शन होता है। सीबीसीस ग्लैंड मतलब कि ऑयल ग्लैंड। ये जो आप पिक्चर देख पा रहे हैं, ये आपका एक ऑयल ग्लैंड का पिक्चर है। जो आप पिंक कलर का जो पार्ट देख रहे हैं, बेसिकली ऑयल ग्लैंड होती है जो आपके स्किन के डीप लेयर के अंदर होती है। और ये जो है पिंपल्स, यहीं से आपके ओरिजिन होते हैं। जो बेसिकल ऑयल ग्लैंड होता है उसका एक कह सकते हैं ग्लोब्यूल पार्ट होता है जहाँ पर ये ऑयल बनता है। सेकंड, जो बनने वाला ऑयल होता है वो हल्का सा एक छोटा सा डक्ट के द्वारा आपका जो हेयर वाला पार्ट है उसके पास में खुलता है, और उसके साथ में हेयर जहाँ से निकलता है वहाँ पर एक पोर होता है, उस पोर के द्वारा आपके स्किन के सर्फेस में आता है और ये ऑयल हमारी स्किन को नरिश करता है। राइट, अब ये ऑयल ग्लैंड्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं हमारे स्किन के ऊपर? ये बेसिकली हमारे जो है वो फेस के ऊपर, अपर चेस्ट, बैक या फिर कह सकते हैं आर्म्स वाले एरिया पे ज़्यादा पाए जाते हैं। और ये देखा गया कि जो पिंपल्स होते हैं वो इसी एरिया में ज़्यादा होते हैं। तो इन ऑयल ग्लैंड्स से पिंपल्स आपके कैसे बनते हैं ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाके आप जो मेडिसिन है उसको अच्छे से यूज़ कर पाओगे और आपको ये पता रहेगा कि कौन सा मेडिसिन मेरे किस बात पे, किस जो पार्ट में हमारे मेरे एक्ट कर रहा है। ओके, तब जाके आप ट्रीटमेंट भी अच्छे से कंप्लीटली कर पाओगे अपना। तो पिंपल्स कैसे बनते हैं? पिंपल बेसिकली इसके फोर रीजंस होते हैं पिंपल्स बनने के। सबसे पहले होता है कि आपका ऑयल प्रोडक्शन का इंक्रीज होना। यस, आपका जो सीबीसीएस ग्लैंड है, आपका ऑयल ग्लैंड है, वहाँ पर खूब सारा ऑयल बनना शुरू होता है, और उसके वजह से क्या होता है कि आपका जो ग्लैंड है वो काफ़ी साइज में बड़ा हो सकता है। और सेकेंड है कि अंदर जो ग्लोबुल है उसके अंदर सेल्स की संख्या भी बढ़ सकती है। ओके, अब आपको क्या हुआ कि इस स्टेज के अंदर, इसको बोलते हैं प्राइमरी स्टेज आपका, इस स्टेज में क्या होता है कि आपका सिर्फ और सिर्फ ऑयल ग्लैंड आपका इसमें बढ़ रहा है। सेकंड जो चेंजेस होते हैं वो होता है कि आपका जो डक्ट होता है, आपका जो ऑयल ग्लैंड का डक्ट होता है, उसके अंदर क्या होता है कि डेड सेल की मात्रा इंक्रीज हो जाती है। तो उसके वजह से क्या होता है कि जो आपका पासेज है वो काफ़ी नैरो हो जाता है, और नैरो होने के बाद में क्या होता है कि वहाँ से जो एक्सेसिव ऑयल प्रोडक्शन हो रहा है वो बाहर नहीं निकल पाता है। थर्ड जो चेंज होता है वो बेसिकली होता है प्लगिंग होना। जी हाँ, प्लगिंग मतलब है कि आपका जो ऑयल प्रोडक्शन के बाद में जो आपका ऑयल ग्लैंड है जहाँ से ओपन हो रही है वहाँ पे क्या होता है कि आपका डेड स्किन है वो ज़्यादा बन जाता है, और डेड स्किन, ऊपर से डेड स्किन बनने की वजह से क्या होता है कि अगेन लाइक पूरा ब्लॉकेज हो जाता है। और लास्ट में क्या होता है कि इन्फेक्शन। जी हाँ, एक बैक्टीरिया होता है हमारे स्किन पर, उसको बोलते हैं पी एक्ने। ये जो पिक्चर देख पा रहे हैं, जो कि पर्पल कलर के बैक्टीरिया होते हैं, ये हमारे स्किन के सरफेस के ऊपर होते हैं, और ये क्या करते हैं कि बेसिकली एक तरह के ऑयल लविंग बैक्टीरिया होते हैं, जो कि क्या करते हैं कि हमारी स्किन के अंदर जो ऑयल ग्लैंड है वहाँ पे ऑयल प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ तक पहुँच जाते हैं और ये इन्फेक्शन करते हैं। तो बेसिकली फोर स्टेज होते हैं हमारी, जिसके अंदर हमारा पिंपल्स का बनना शुरू होता है। अब हम जानते हैं कि पिंपल्स के कौन कौन से कॉजेज हो सकते हैं। ओके, कॉजेज होते हैं, तो फर्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है वो आपका जेनेटिक। जी हाँ, अगर आपके फैमिली में किसी को पिंपल्स हैं तो आपको पिंपल होने के चांसेस हैं। ओके, हमेशा नहीं होता है लेकिन चांसेस बनते हैं, उन लोगों में ज़्यादा होते हैं जिनका कि फैमिली हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होता है। सेकेंड होता है हॉर्मोन्स। देखिए, ये सारा खेल ही हॉर्मोन्स का है बेसिकली। ओके, और हम सब जानते हैं कि जो पिंपल्स होते हैं वो 16 से लेकर 25 साल के बीच में ज़्यादा बनते हैं, और इसमें इसका रीजन होता है वो होता है एंड्रोजन्स। एंड्रोजन्स बेसिकली क्या होते हैं? आपके जो मेल सेक्सुअल हॉर्मोन्स होते हैं, और ये क्या करते हैं कि आपके जो स्किन के जो ऑयल ग्लैंड है उसके ऊपर ऑयल प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं। ओके, और इसका एक्शन बेसिकली आपका 14-15 साल से स्टार्ट होता है, जो कि आपके 25-26 साल तक हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, फीमेल्स के अंदर भी आपके मेल सेक्सुअल हॉर्मोन्स बढ़ सकते हैं, और उस कंडीशन में आपके फीमेल में ज़्यादा हॉर्मोन्स का क्या कहते हैं प्रोडक्शन होता है, और उनको पिंपल ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ऐसी कंडीशन होती है, उसको बोलते हैं PCOD। तो ये PCOS कंडीशन होती है जिसके अंदर आपका फीमेल्स के अंदर मेल हॉर्मोन बढ़ सकते हैं। थर्ड पार्ट होता है वो डाइट का। हम सब जानते हैं कि कौन सी अच्छी डाइट है, कौन सी बुरी डाइट है हमारी स्किन के लिए, हमारी बॉडी के लिए, है ना। हम जानते हैं कि जो पिंपल्स होते हैं बेसिकली जितने भी स्वीट्स होते हैं, ठीक है, या फिर कह सकते हैं चॉकलेट्स होते हैं, उनकी वजह से बढ़ते हैं। फास्ट फूड भी बढ़ा सकते हैं, इन सबको हम बोलते हैं हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड। ओके, जिसके अंदर ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और एकदम से आपकी बॉडी को ग्लूकोज देने का काम करती है, तो उसके वजह से आपके पिंपल्स ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो अगर आपको पिंपल्स को कंट्रोल करना है तो इस डाइट को आपको अच्छे से रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा।
फोर्थ को जो बनता है आपके पिंपल्स का वो होता है आपका जनरल केयर, आप कैसे केयर करते हैं बेसिकली। देखिए मैंने आपको बताया कि इसके अंदर कि आपको अगर आपका स्किन का डेड स्किन ज़्यादा होगा जो आपके स्किन के ऊपर इजीली प्लग बना लेगा तो आपका ऑयल है वो प्रोडक्शन जो ऑयल होता है वो बाहर अच्छे से निकल नहीं पाएगा। ओके, तो एक अच्छा जनरल केयर होना ज़रूरी है। अगर आप अच्छे से वॉश नहीं कर पा रहे स्किन को या फिर अच्छे से केयर नहीं कर पा रहे हैं तो दिस इज़ नॉट गुड फॉर योर स्किन। ओके, कभी कभी हम ज़्यादा मेकअप यूज़ करते हैं, काफ़ी लोग बोलते हैं ना कि डॉक्टर क्या मेकअप लगाने से पिंपल हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। मेकअप बेसिकली क्या करता है कि आपको वही प्लगिंग करने का काम करेगा। ओके, और हो सकता है कि कुछ ऐसे केमिकल्स हो जो कि ऑयल प्रोडक्शन कम या ज़्यादा कर सकते हैं या फिर बैक्टीरिया के ग्रोथ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ओके, तो ये सारे रीजंस होते हैं जो कि आपके पिंपल बन सकते हैं। जो फिफ्थ कॉज है आपका पिंपल्स बनने का वो होता है मेडिसिंस। जी हाँ, काफ़ी ऐसी मेडिसिंस होती है जो कि आपके पिंपल बढ़ा सकते हैं। उनमें से एक कॉमन मेडिसिन होती है उसको बोलते हैं स्टीरॉइड्स। ओके, स्टीरॉइड्स आपकी पिंपल्स को बढ़ा सकता है। और भी काफ़ी मेडिसिंस होती है जो कि पिंपल बढ़ा सकती है। तो अगर आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं किसी तरह का तो अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछिए कि ये कहीं पिंपल तो नहीं मुझे बढ़ा देगी, बिकॉज मुझे पिंपल बिल्कुल पसंद नहीं है। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। सिक्स्थ जो कॉज होता है वो होता है स्ट्रेस इंड्यूस पिंपल्स। जी हाँ, अगर आपको एक तो पिंपल बढ़ रहे हैं और दूसरी बात है कि आपको स्ट्रेस भी आ रहा है साथ साथ में। ओके, और स्ट्रेस आने के बाद आप पिंपल के साथ छेड़छाड़ भी कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर आपको पिंपल्स हो रहे हैं तो बिल्कुल अपने आप को काम रखिए, जनरल केयर वाला पार्ट है उसको अच्छे से इंप्रूव कीजिए और साथ साथ में अपना ट्रीटमेंट लीजिए। ओके, कभी भी स्ट्रेस को इंड्यूस नहीं कराना है हमारे पिंपल्स के लिए। तो ये जो छः लिस्ट है, जो छः कॉजेज है, इसका सबसे पहले ध्यान रखना होता है। किसी भी डॉक्टर से जाने से पहले प्लीज़ ये सारों छः लिस्ट है अपने अच्छे से चेक कर लीजिए। ओके, क्योंकि प्राइमरी ट्रीटमेंट आपका यहीं से स्टार्ट होने वाला है, तो केयर वाला पार्ट सबसे पहले आएगा। तो नेक्स्ट लेते हैं कि पिंपल्स किस एज में बनते हैं। 16 से 25 साल आपने यही देखा है, लेकिन ऐसा नहीं है हमेशा। ओके, पिंपल्स किसी भी एज में बन सकते हैं, बच्चों में बन सकते हैं, उसको बोलते हैं न्यूनेटल पिंपल्स। ये जो फोटोग्राफ देख पा रहे हैं ना, ये बेसिकली न्यूनेटल पिंपल्स की है। एक होता है कि प्री प्यूबर्टी पिंपल्स, मतलब कहने मतलब है कि आपका 10 साल 12 साल में भी आपके पिंपल्स बन सकते हैं। बच्चों के काफ़ी आते हैं, फीमेल्स आती है, काफ़ी पेरेंट्स आते हैं अपने बच्चों को लोगे कि डॉक्टर ये तो 8 साल का अभी कैसे पिंपल बनने लग गए हैं। ओके, ये पॉसिबल है। लेकिन हाँ, जो आपका हॉर्मोन्स का इफेक्ट है कब से स्टार्ट होता है, कह सकते हैं कि 15-16 साल से स्टार्ट होता है, तो 16 ईयर से लेके कह सकते हैं कि 25 ईयर्स के बीच में पिंपल्स ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि एंड्रोजन्स का इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। एक होता है उसको बोलते हैं लेट ऑनसेट पिंपल्स। ये लोग ज़्यादा शिकायत लेके आते हैं मेरे पास में, वो बोलते हैं कि डॉक्टर 25 ईयर्स तक तो मेरे कोई पिंपल्स बने नहीं, अब कैसे पिंपल्स बन गए मेरे, ये तो पिंपल्स नहीं है कुछ और है, एक बार ढंग से चेक कीजिए आप। तो ऐसा नहीं होता है, कुछ पिंपल्स ऐसे होते हैं जो कि आपके 25 साल के बाद में चेंज बन सकते हैं और उनको बोलते हैं लेट ऑनसेट पिंपल्स। मोस्टली लेट ऑनसेट पिंपल्स मैंने देखा कि फीमेल्स में ज़्यादा बनते हैं। ये जो पिक्चर देख पा रहे हैं ये बेसिकली लेट ऑनसेट पिंपल्स की है। और कभी कभी पिंपल्स आपके हैं वो 60 प्लस के बाद भी बन सकते हैं। ये जो पिक्चर देख पा रहे हैं उसको बोलते हैं पेंशनर्स पिंपल्स। ओके, तो कैसे कहने का मतलब कि पिंपल्स किसी भी एज में बन सकते हैं, बट हाँ 16 से लेकर जो 25 साल का जो एज होता है उसमें पिंपल्स सबसे कॉमन होते हैं। चलिए बात करते हैं किस किस तरह के पिंपल्स होते हैं हमारे स्किन के ऊपर। तो पहली बात है कि कौन कौन सी साइड्स पे पिंपल्स बन सकते हैं। तो एक होता है साइड जैसे फेस, एक होता है ट्रंक वाला पार्ट। ओके, एक होता है इसको बोलते हैं फेशियल पिंपल्स। ये जो पिक्चर देख पा रहे हैं बेसिकली फेशियल पिंपल्स की, मतलब फेस पे पिंपल्स का बनना। एक होता है उसको बोलते हैं ट्रंकल पिंपल्स। ट्रंकल पिंपल्स मतलब फेस के अलावा कौन कौन से साइड पे, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि कौन कौन से एरियाज हो सकते हैं, तो चेस्ट, अपर बैक और आर्म्स, इनके ऊपर पिंपल बन सकते हैं, उनको बोलते हैं ट्रंकल पिंपल्स। ये जो पिक्चर देख पा रहे हैं बेसिकली ट्रंकल पिंपल्स की है। किस किस टाइप्स के पिंपल्स होते हैं, तो इसकी ग्रेडिंग होती है अलग अलग तरह से। सो ग्रेडिंग 1-4 होती है। ग्रेड 1 मतलब होता है कि आपके अर्ली स्टेज वाले पिंपल्स होते हैं। ओके, उसको बोलते हैं हम कोमेडोन्स बोलते हैं, या फिर कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स। ये जो पिक्चर देख पा रहे हैं ये बेसिकली वाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स की होती है। देखिए वाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स में क्या डिफरेंस होता है, तो वाइट हेड में क्या होता है कि आपका जैसे कि आपका ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ और उसके बाद में आपका डक्ट तक वो क्या होता है कि उसका वहाँ तक आपका ऑयल आ गया, लेकिन अभी सरफेस पे पूरी तरह से ओपन नहीं हुआ है। जब सरफेस पे ओपन नहीं हुआ तो वहाँ पे क्योंकि ऑयल होता है वो वाइट कलर का होता है, तो हल्का सा वाइट डॉट दिखता है, जिसको हम बोलते हैं वाइट डॉट्स बोलते हैं, ठीक है, हम मेडिकल में बोलते हैं वाइट कोमेडोन्स। अब अगर आपका जैसे हल्का सा ओपनिंग खुल गया वहाँ पे, जैसे आपने हल्का सा कुछ ट्रीटमेंट किया या फिर कुछ कह सकते हैं स्क्रब किया फेस के ऊपर, तो ऊपर का जब प्लगिंग खुल जाएगा तो क्या होता है कि जो ऑयल वाला पार्ट होता है वो स्किन के सरफेस के ऊपर आ जाता है, और उसके बाद में वो जो सरफेस में आने के बाद में वो ऑक्सीजन से या फिर जो गैसेज होती है आपके एनवायरनमेंट से रिएक्ट करने के बाद में ब्लैक बन जाता है। ओके, तो उसको बोलते हैं ब्लैक हेड्स। तो ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेज। सेकेंड स्टेज होता है उसको बोलते हैं पेप्यूल स्टेज, या कह सकते हैं कि हल्का सा दाने वाला स्टेज बोलते हैं। ओके, यहाँ पर क्या होता है कि आपका इन्फेक्शन स्टार्ट हो गया है। जी हाँ, वही पी एक्ने जो कि मैंने बताया था, ये पी एक्ने जो आपका बैक्टीरिया होता है ये आपकी स्किन के ऊपर आप कह सकते हैं कि इन्फेक्शन शुरू कर दिया, हल्का सा लाल कलर का दाना हो सकता है आपके स्किन पर। ये जो पिक्चर देख पा रहे हैं इसको बोलते हैं ग्रेड
टू स्टेज या फिर पेपुल स्टेज। थर्ड स्टेज होती है उसको बोलते हैं पस्चुल स्टेज या पस वाली स्टेज बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ क्या कि अब आपके कह सकते हैं बॉडी और आपका जो है जो बैक्टीरिया उसके बीच में फाइट हो रही है और पस का निर्माण हो रहा है, तो ये थर्ड स्टेज होगी। और फोर्थ स्टेज उसको बोलते हैं नोड्यूलोसिस्टिक पिंपल्स, खूब सारे पिंपल्स हो गए, खूब सारा रेडनेस, स्वेलिंग हो गया, इवन आपका हीट हो गया स्किन के ऊपर। तो ये जो पिक्चर देख पा रहे हैं ये बेसिकली ग्रेड फोर की होती है। कभी कभी एक होता है उसको बोलते हैं हम एक्ने कॉन्ग्लोमेरेट, अगर आपके पिंपल्स खूब सारे हो, बहुत ही सीवियर पिंपल हो, ग्रेड फोर वाले पिंपल्स हो, साथ साथ में अलग अलग एरियाज के ऊपर हो, तो उसको बोलते हैं एक्ने कॉन्ग्लोमेरेट। काफ़ी कॉमन नहीं होता है, काफ़ी रेयर होता है, बट हाँ ये सबसे कह सकते हैं कि सीवियर स्टेज होती है किसी भी पिंपल्स की। तो ये कुछ स्टेजेस होती है पिंपल्स की। और अब बात करते हैं डायग्नोसिस की, कौन कौन से टेस्ट कर सकते हैं आपके डॉक्टर। तो सबसे पहले किसी भी डॉक्टर के लिए होता है एग्जामिनेशन पार्ट, वो आपकी स्किन को अच्छे से देखेगा कि कौन कौन से स्टेज के पिंपल्स हैं, ओके, और कहाँ कहाँ पर है, किस किस जगह पर है, आपकी एज क्या है। ये पहला पार्ट होता है किसी भी डॉक्टर के लिए। सेकंड होता है कि आपका कुछ टेस्ट करें, कुछ ब्लड का टेस्ट करें, ओके। ब्लड का टेस्ट कह सकते हैं कि एक तो आपका थेरेपी को डिसाइड करने के लिए होता है कि अगर डॉक्टर कोई प्लानिंग कर रहा है किसी तरह का कि मुझे कोई मेडिसिन देनी है, तो उस मेडिसिन के रिगार्डिंग आपके कुछ टेस्ट हो सकते हैं। सेकेंड होता है आपके आपके हॉर्मोन के स्टेज को देखने के लिए, ओके। तो जैसे कि एक टेस्ट होता है, उसको जैसे डिजीज़ होता है उसको बोलते हैं PCOD, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि पीरियड के सेकेंड डे पे कुछ टेस्ट करते हैं जिसमें ब्लड के टेस्ट भी होते हैं और कुछ अल्ट्रासाउंड भी होता है। एक क्वेश्चन काफ़ी कॉमन आता है हमारे पास कि डॉक्टर ये अगर हॉर्मोन्स की वजह से है तो आप मेरा ब्लड का हॉर्मोन्स का लेवल एक बार देख लीजिए, कहीं ज़्यादा तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल ज़्यादा नहीं होता है। बेसिकली आपका जो हॉर्मोन्स का लेवल है बिल्कुल मोस्टली नॉर्मल ही होता है, मेल्स में नॉर्मल ही होता है और फीमेल्स में कभी कभी हम उसको देख लेते हैं। तो हर पेशेंट के लिए हॉर्मोन का टेस्ट करना बहुत ज़रूरी नहीं है, ओके। वो तो डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि किस स्टेज में करना चाहिए, लेकिन वो टेस्ट नहीं होते हैं। बेसिकली क्या होता है कि ये ओवर एक्शन होता है आपका हॉर्मोन्स का, ओके, स्किन के ऊपर। कह सकते हैं कि ज़्यादा नहीं होता, ब्लड में ज़्यादा नहीं होता है, ओवर एक्शन होता है आपका, ओके। तो ये कुछ टेस्ट कर सकते हैं आपके लिए। तो ये इस वीडियो में था बेसिक्स अबाउट द पिंपल्स, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप देखिए पहली बार आए हैं आप हमारे चैनल पे, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे साइंटिफिक वे में हर चीज़ का, स्किन का, लेज़र का, हेयर ट्रांसप्लांट का है, वो वीडियोज़ मिलेंगे। तो आप ज़रूर बने रहिए हमारी वीडियो के, हमारे चैनल के साथ में। सो सी यू विथ नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।